हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल की आज की क्लास में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला कवर करेंगे, और ये वन टू वन ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक मुकेश जी है जो कि मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वन टू वन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जहां पे हम आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। कोई भी क्वेश्चंस, नए वीडियो की अपडेट, नए क्लासेस की अपडेट, आपकी प्रॉब्लम, सब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में शेख जी हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हमारे पास फॉर्मूला मेनू बार में बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल होते हैं। फॉर्मूला मेनू बार में बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल होते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर मुझे पता नहीं है, लेकिन उन चीजों को मैं मैथमेटिक्स के जरिए आसानी से कर सकता हूं, उन चीजों को। जी हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल कि मेरे पास मेरे एक कैलकुलेशन है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मैंने सेल किया और बाय किया, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम अगर बात करें मैथमेटिक्स की तो हम मैथमेटिक्स में इजिली कह सकते हैं यहाँ पे कि सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, बट एक्सेल में परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करें, तो यहां हम लिखेंगे इन दी ब्रैकेट सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आपका इस तरह के डेसिमल्स में आएगा। तो होम मेनू बार में जाइए और इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल, या शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सेव परसेंट सिंबल, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल किया, उसका जवाब आप ये देंगे कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 का आंसर क्या है, क्या आएगा आंसर सर। बताइए 3 होगा ना, क्यों, क्योंकि 2 पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, सॉरी। तो इसीलिए हमने बोर्ड मास मेथड को फॉलो कर दिया, क्योंकि मुझे ये जो डिवाइड करना है सेल माइनस बाय के रिजल्ट में डिवाइड करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट इस्तेमाल किया। तो ध्यान रखिएगा एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को सेग्रीगेट करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो है पावर का सिंबल है, किसका सिंबल है, पावर। जैसे कि आपको 10² निकालना है तो 10 पावर ऑफ कर दीजिए 2, एंटर प्रेस कीजिए, आपको 10² दिख जाएगा, दिख गया 10² इसलिए। चलिए अब एक और कैलकुलेशन करते हैं कि यहां पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम है, मुझे अमाउंट निकालना है। हालांकि अमाउंट निकालने की ऑलरेडी है फॉर्मूला एफडी का, फ्यूचर का, लेकिन मान लीजिए कि मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजिंग है, दैट टाइम मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स को यूज करूंगा। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, तो मैथमेटिक्स कहता है यहां पे कि अमाउंट ए इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r
डिवाइड बाय एन, वन प्लस आर डिवाइड बाय एल, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, टी मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। टी मल्टीप्लाई बाय एल, क्लियर है। समझे? यस सर। इसमें आर और एन क्या होगा? मतलब आर और एन, आर हो गया रेट, आ गया रेट, एन हो गया पीरियड, मतलब कि साल में कितने पीरियड है। एन इक्वल टू आ रहा है, एन कितना सुना, एन हो गया पावर ऑफ एन, जो कि एन इक्वल टू 12 होगा, मंथली है तो 12, हाफ क्वार्टरली है तो 4, हाफ ईयरली है तो 2, कि साल में कितने पीरियड में, किस कितने पीरियड में आपका इंटरेस्ट जो है आपके प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाए, ठीक है। तीन पी, टी टाइम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए इसका करते हैं। अब इतना लंबा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैं यहां पे बता दिया कि n इक्वल टू क्या है हमारे पास 12 है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल करेंगे, यहां पे इक्वल करके हम इस कैलकुलेशन को तोड़ेंगे, यहां लिखेंगे 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12, हो गया ये कैलकुलेशन, 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12, एंटर प्रेस कीजिए, यार फिर आता है टी मल्टीप्लाई बाय एन, तो इक्वल हम टाइम को लिए मल्टीप्लाई बाय एन 12 है, 12 कर दिया, इन दोनों का पावर निकालना है, तो पावर का सिंबल ये है जो शिफ्ट के साथ आता है, इसके पावर निकल गया, एंड लास्ट हम इसको आपस में क्या कर देंगे, पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया 58,077, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया आपका, चलो ठीक, अब यहां पे इन सबों को मुझे एक सेल में कैलकुलेट करके यहां रखना, तो यहां पे अब देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, इस पे डबल क्लिक किया तो इससे लिंक है, इस पे डबल किया तो इन दोनों से लिंक, इस पे डबल क्लिक किया तो फॉर्मूला, तो इसकी फॉर्मूले को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इक्वल के बाद, कैसे सिलेक्ट किया, क्लिक करके, क्लिक को होल्ड करते हुए आगे की तरफ बढ़ा, सिलेक्ट हो गया, देन कंट्रोल सी करके एस्केप प्रेस किया, और एड्रेस क्या है D8, तो जहां D8 है उसके जगह पे D8 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसको डिलीट कर सकता हूं, फिर यहां पे सिलेक्ट किया और इसको कॉपी करते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं, और जहां पे मेरे पास D9 है वहां D9 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे, अब इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूं और यहां पे आता हूं, जहां पे हमारा D10 है, D10 दिख रहा है, D10 के जगह पे D10 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, तो आपने देखा हमने एक ही फॉर्मूला किया तो हो गया यहां पे। ऐसे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप यहां पे एक बार में सारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यस,
अब यहां पे एक एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें आप देखेंगे कि जो कॉपी पेस्ट वाला जो मेथड था वो बहुत अच्छा था। क्या मैं मुझे यहां पे क्या निकालने हैं, यहां पे निकालने हैं कॉस्ट का एमआरपी, कॉस्ट का एमआरपी। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम वन बाय वन करते हैं कि मैन्युफैक्चर कहता है कि मैं 5% का मार्जिन तो लूंगा लूंगा, मतलब कि 50 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे और 2.5 रुपए ऐड करके 52 रुपए 50 पैसे पे बेच देता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है हमको नहीं पता, मुझे जो खरीद है उस खरीद पे मैं लूंगा कितना परसेंट, 10%, और अपने खरीद में उसको ऐड कर दूंगा। फिर आता है यहां पे कि अपने खरीद का मैं लूंगा 15% और अपने खरीद में उसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। फिर एंड द लास्ट रिटेलर जो कहता है ये, इसने क्या किया, ए मैन्युफैक्चरर का प्राइस तक था, ए डिस्ट्रीब्यूटर का था, ए होलसेलर का था, अब यहां पे आता है रिटेलर का। तो रिटेलर कहता है कि मैं 20% लूंगा और अपने अंदर ऐड करके बेच। रिजल्ट आ गया 79695, राइट फाइनल। लेकिन इसके लिए मैंने 8 सेल को यूज किया है, इन सारे की कैलकुलेशन मुझे यहां 1 सेल के नीचे करना है। साले कैलकुलेशन क्या करना है, 1 सेल के नीचे करना। तो यहां पे हम एक एक करके कॉपी करेंगे। सो कॉपी किए, यहां पे सिलेक्ट किए और जहां पे B11 था सही था, B D12 के जगह पे T12 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा इक्वल को कॉपी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इक्वल को कॉपी नहीं करना है। तो यहां पे D13 है तो D13 के ऊपर D13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहां भी मेरा D13 है तो यहां भी D13 का फॉर्मूला D13 के ऊपर ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में, क्यों ब्रैकेट में, क्यों मैंने समझाया ऊपर कि बोट मास मेथड को फॉलो करना है। मैंने इसको कॉपी किया और यहां जहां पे E12 है, E12 के जगह पे E12 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको डिलीट कर सकता हूं। अब यहां आया और हमने B11 को यहां से उठाया, कॉपी किया, स्केप मारा और यहां जहां पे E13 है, E13 के जगह पे E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहां जहां पे E13 यहां है तो यहां भी E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। अब यहां पे इसको डिलीट कीजिए। इसी तरह से एक एक करके कॉपी करते जाएंगे और देखेंगे कि आपका फॉर्मूला काफी बड़ा होते जा रहा है, और इतनी बड़ी फॉर्मूला को इसी मेथड के साथ लिखा जा सकता है। मैनुअल लिखने के लिए जाएंगे तो एक बार में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, आगे चल के जब बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले लिखेंगे तो इजीली हम इसी तरीके से लिखेंगे, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं करा कि आप लिख नहीं सकता या कोई लिख नहीं सकता, लिख सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। अगर मान लीजिए उसने चेंज कर भी लिया तो कैसे वेरीफाई करेगा कि रिजल्ट सही है, अगर मान लीजिए कहीं पे एरर आया तो कौन सा फॉर्मूला एरर दे रहा है, इसको निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब इसको उठा के मुझे यहां रखना है, अब मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। कॉपी पेस्ट ना करने के पीछे रीजन क्या है, क्या सर, हमने कल बताया था ना रेफरेंसिंग का सिस्टम, कि जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो B11 चेंज नहीं हो जाएगा, कोई फ्रीज है आपका, और इतने सारे B11 है सबको फ्रीज करना पड़ेगा क्या, फ्रीज करना पड़ेगा, जी हाँ। तो इसको क्या करेंगे, कट पेस्ट, कट करने और पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से मैंने यहां बोले नहीं, कट पेस्ट कंट्रोल एक्स, कट कॉपी की जगह पे कट होता है ना, मूव करना, कट पेस्ट किया है, ठीक है। इसी तरह के हमने कुछ प्रैक्टिकल शीट्स तैयार किए हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां देखिए आपका आता है यहाँ पे देखिए PRT मल्टीप्लाई कीजिए, अभी देखिए यहाँ पे P into 1 plus RT है ना अमाउंट,
तो आप क्या करेंगे, इक्वल पी प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई यहां पे मल्टीप्लाई बाय इन दी ब्रैकेट वन प्लस अगेन ब्रैकेट आर टी, हर एक कैलकुलेशन पार्ट को ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे आप, समझे। और ये तो मैंने बताया ही जो दिखा ना पी वन प्लस आर बाई एम, हम एम के जगह पे एन ले लिया है ना, वही है। तो बाकी कैलकुलेशन को भी ट्राई कीजिएगा, कर सके तो ठीक है, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको तो दूसरे पे आपका सरल है। यहां दिखाता हूं, जैसे यहां पे मैंने बी एल एच दिख रहा है आपको, बेस लेंथ और हाइट हमने एज्यूम किया है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप तीनों का आपस में एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है टू एच एल प्लस बी, टू एच तो मतलब टू मल्टीप्लाई बाय एच, तो आप इन दी ब्रैकेट टू को टू लीजिए मल्टीप्लाई बाय एच है हाइट, और उसमें फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है एल प्लस एच, तो एल प्लस बी सॉरी एल प्लस बी, इस तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन को करेंगे। ऐसे यहाँ पे टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो मैंने यहाँ पे फाइनली टू से मल्टीप्लाई किया एन ब्रैकेट एल बी अगेन ब्रैकेट एल मल्टीपल एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाई बी है ना, एल मल्टीप्लाई बाई बी, अब इसमें प्लस करेंगे बी एच इन दी ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाई एच, देन प्लस अगेन ब्रैकेट एच एल एच मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है, यहां पे एंटर, क्लियर है। ओके तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, इस पे कीजिए प्रैक्टिस।